आपका मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इन्फोक्रेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पर्शियन कैट के लिए होममेड ग्रेवी फूड की रेसिपी। बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि ये ग्रेवी बनाना काफ़ी आसान है। इसके लिए जो भी इंग्रेडिएंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको पहले बताता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें लेना है 250 ग्राम बोनलेस चिकन, जिसमें एक पीस लीवर का भी होना चाहिए, क्योंकि इससे ग्रेवी में एक अच्छा टेस्ट आता है और बिल्ली को ये टेस्ट पसंद भी है। इसके बाद एक मीडियम साइज पोटैटो लेना है, एक बाउल में पका हुआ चावल लेना है, एक चम्मच नमक लगेगा। देखा दोस्तों, ये रेसिपी के लिए सिर्फ ये तीन चीज़ों की ज़रूरत है। तो आइए अब इसको कैसे बनाना है ये समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको चिकन और पोटैटो एक साथ एक ही बर्तन में पानी में बॉईल करके लेना है। ये लगभग आपको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे इसे बॉईल करना है। जब तक पोटैटो पक नहीं जाता तब तक आपको इसे बॉईल करना है। इसके लिए आपको 10 से 15 मिनट के बाद थोड़ा चम्मच से पोटैटो बीच में काट के चेक करते रहना पड़ेगा कि ये अच्छे से पका है कि नहीं। तो चिकन और पोटैटो पकने के बाद आपको गैस बंद करके इसे थोड़ा ठंडा होने तक ऐसे ही रखना है। तो अब दोस्तों, ये ठंडा होने के बाद आपको बॉईल किया हुआ चिकन और पोटैटो एक मिक्सर ग्राइंडर में डालना है। इसके साथ में हमें पका हुआ चावल भी ग्राइंडर में डालना है। और दोस्तों, उबला हुआ पानी थोड़ा थोड़ा ग्राइंडर में मिक्स करके ये तीनों चीज़ें मिक्सर में तब तक ग्राइंड करना है जब तक ये एक ग्रेवी की तरह पतली ना हो। याद रहे, आपको पूरा उबला हुआ पानी ग्रेवी में मिक्स करके लेना है। अगर आप ये पानी ग्रेवी में नहीं डालेंगे तो ग्रेवी की क्वांटिटी कम होगी और ठीक से पतली भी नहीं होगी। ये पूरी तरीके से पतली होने के बाद इसमें एक चम्मच नमक डालें और ठीक से मिक्स करके लें। तो दोस्तों, अब हमारी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। ये ग्रेवी ठंडी होने के बाद आपको फ्रिज में रखना है ताकि ये 2 से 4 दिन तक खराब ना हो। 4 दिन तो ये ग्रेवी बिल्ली को आराम से खिला सकते हो, इसकी क्वांटिटी उतनी रहती है। अगर आपके पास 2 बिल्लियां है तो आपको इसके हिसाब से क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। आखिर में और एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप सिर्फ ग्रेवी भी सर्व कर सकते हो, पर ऐसे में ये जल्दी ख़त्म हो, इसलिए ये ग्रेवी आप चूरा की हुई रोटी के साथ मिक्स करके देते हो तो 1-2 दिन तक ज़्यादा चलेगा। याद रहे, आपको रोटी का चूरा भी तभी ग्रेवी में मिक्स करके लेना है जब आप अपनी बिल्ली को खिलाने वाले हो। पहले से ही रोटी मिक्स करके रखेंगे तो पूरा मिक्सचर गीला होगा और बिल्ली ऐसा गीला मिक्सचर नहीं खाएगी। तो दोस्तों, ये ग्रेवी आपकी बिल्ली को पसंद आएगी, इससे उसकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। बिल्लियों को काफ़ी लोग ड्राई फूड देते हैं, पर दोस्तों इससे खास करके पर्शियन कैट को स्टोन की प्रॉब्लम आती है। फीमेल का मुझे पता नहीं, पर मेल कैट में ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए मैं अपनी बिल्ली को ग्रेवी फूड खिलाता हूँ। ड्राई फूड से ग्रेवी फूड मंथली के हिसाब से 100-200 रुपया महंगा पड़ेगा, पर डॉक्टर को पैसे जाने से अच्छा है कि आप अपनी बिल्ली को थोड़ा अच्छा खाना खिलाएं, क्योंकि स्टोन होने के बाद जो ट्रीटमेंट को पैसा जाता है उससे आप काफ़ी परेशान हो सकते हो और आपसे ज़्यादा परेशानी आपकी बिल्ली को होगी। अगर आपकी बिल्ली को स्टोन की प्रॉब्लम हुई है और डॉक्टर का इलाज करने के बाद भी वो ठीक नहीं हो रही है तो बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं आपको एक आयुर्वेदिक जूस के बारे में बताने वाला हूँ जो बिल्ली और इंसान की स्टोन पूरी तरीके से निकाल सकती है। मैं जल्द ही वो वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।